हेलो स्टूडेंट्स आई एम गुरविंदर कौर सीनियर फैकल्टी अभिमन्यू आई एस और आज हम यहाँ पे बात करते हैं हमारे पी वाई क्यू सेशन की राइट पंजाब सिविल सर्विसेज के जो हमारे पी वाई क्यू हैं पी वाई क्यू की जो सीरीज़ चल रही है उसमें हम टू थाउजेंड फिफ्ट एग्जाम को यहाँ पे एनालिसिस कर रहे हैं राइट तो डिटेल्ड वे में हम डिस्कशन करते हैं राइट एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं किस तरीके के आ रहे हैं क्या मैथड होना चाहिए क्या उसमें से आपको समझने की नीड है राइट तो जैसे हम क्वेश्चंस देख रहे थे तो एक स्टूडेंट ने मेरे को बोला कि मैम ऐसे कंटिन्यू अगर हम क्वेश्चन करते जाएंगे तो इसका थोड़ा टाइम बाद तो हम भूल जाएंगे फिर उसका क्या फायदा हुआ स्टूडेंट हैं तो ये पी वाई के है ना भूलोगे तो सही भी पढ़ लो भूल तो आप जाते ही हो कोई बड़ी बात नहीं राइट आप क्लास में लगा के आते हो चार दिन बाद आप उसको क्लास को याद करो आपको एट्टी भूल चुका होगा है ना वन मंथ बाद जब आप नोट्स उठा के देखोगे तो हो सकता है कि आपको अपने ही नोट्स ऐसे एलियन की तरफ ही नोट लग जाएगी यार ये मैंने क्या लिख रखा होते है बहुत बार होता होता है, ऐसा, है ना अगर हम किसी चीज को रिवाइज नहीं करते टाइम से तो उसका तो हार्म तो फिर उसका है ही है डेफिनेटली है ओके तो पी वाई का जो मेन पर्पज होता है वो होता है कि आप जो है ना एग्जाम की एक बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पाओ काम से रिलेटेड जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है ना तो आप बेटर वे में डेवलप कर पाओ इट मी कि जब आप पीवाईक्यू को बार-बार देखते अभी है क्या प्रॉब्लम ये है स्टूडेंट प्रॉब्लम ये है कि वो क्या करते हैं? एक बार उठाई वीडियो और देखी फटाफट चलो जी ओके हो गया दिस इज नॉट द राइट वे ये वीडियो को आप फुल्ली यूटिलाइज कर ही नहीं रहे जब आप पहली बार वीडियो देखते हो जो तो भी मैं मैं एक्सप्लेनेशन पूछ पूछ तो आपसे क्वेश्चन कर रही हूं। साथ में आप एक और टैब खोल के रखो गूगल की और उसमें आप सर्च करो यार जो तो मैम कह रहे हैं कि टॉपिक कहाँ से है इससे रिलेटेड थोड़ी और डिटेल में मुझे डिस्कशन करनी चाहिए है ना तो उससे रिलेटेड आप थोड़ी सर्च करोगे जब आप सर्च करोगे तब आपको पता चलेगा और फिर जब आप कंटिन्यू इस तरीके से सीरीज फॉलो करके कंसिस्टेंट आप जब करते रहोगे तब आपको समझ में आनी शुरू हो जाएंगी तीन चार चीजें पहली कि क्वेश्चन का फ्रेम कैसे है कितना उसका डिफिकल्ट लेवल है जो एग्जामिनर है, है वो हर साल जो करंट अफेयर पूछ रहा है वो किस टाइप के बहुत ज्यादा डेप्थ में जाके पूछ रहा है ऊपर ऊपर से पुट कर रहा है ठीक है आ, क्या लेवल है कौन कौन से एरियाज वो कवर कर रहे हैं जैसे कि मैं आपको बताऊं जैसे की जो है वो स्पोर्ट्स का बहुत कम आ, कवर कर रहा है बट हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 2013 का पेपर पूरा हो गया 2015 स्टार्ट हो गया आप देखो कि तो आपका स्पोर्ट्स है, उसमें आ रहे हैं। है ना? फिर आप ये देखो कि पंजाब जीके पेमे से भी क्वेश्चन काफी अच्छे खास मतलब उस वैल्यू बनी हुई अब तक है ना फिर आप ये भी देखो कि कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो गव, जो एग्जामिनर लगातार पूछ रहे हैं। लगातार हर बार उससे क्वेश्चन आ रहे हैं जैसे कि अपन ने अगर आपने ध्यान दिया हो तो पॉलिटी में पंचायती राज पे क्वेश्चन आ रहे है।, है ना तो इस तरीके से स्टूडेंट आप खुद से अपना सिलेबस भी डिफाइन कर सकते हालांकि वो सिलेबस पूरा नहीं होगा ऐसा नहीं कह रही कि हंड्रेड परसेंट उसी सब कुछ आ जाएगा नहीं बट आपको एक मोटा मोटा आइडिया लग जाता है राइट और थोड़ी सी ये भी हो जाती है कि जब आप एम प्रैक्टिस करते हो स्टूडेंट और जब आप उस स्टैटिक को वापस से जाके पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा कि अरे यार ये टॉपिक तो मैंने पीवाई क्यू में भी कर रखा रखे ना? एक सिंपल होता है कि मैंने आपके सामने चार ऑप्शन रख दिए आपने क्वेश्चन पढ़ा और कर दिया हो गया भाई डन एक जब आपने फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको, आपको मैंने पढ़ाया आपको मैंने अटॉर्नी जनरल पढ़ाया आपको मैंने प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया पे क्वेश्चन पढ़ाया आपने उसी टाइम अपनी बुक खोली नोट्स खोले और प्रेजिडेंट को पढ़ा के या आपने कोई टॉपिक है ऐसा टॉपिक है करंट अफेयर का ठीक है उस क्वेश्चन को आपने थर्टीन में भी पढ़ा फिफ्टीन में भी पढ़ा फिर आपने इसको उठा के पढ़ लिया कि यार यहां से क्वेश्चन आए चल मैं देखी ना? मतलब कि यहाँ पे वीडियो डल रही है अगर थर्टी मिनट की अगर वीडियो यहाँ पे डल रही है तो स्टूडेंट एट लीस्ट ना ज्यादा तो आपका वन आवर टू तो वन एंड हाफ आवर तक आप कंटिन्यू इस वीडियो के ऊपर हो ठीक है इसको पॉज कर करके देख रहे हो और साथ में आप जो है वो अपनी बुक्स पेंसिल नोट्स हर चीज साथ साथ में आप। तब जाके आपको रियल बेनिफिट होगा इन पी अदरवाइज अगर आप बैठे बैठे ऐसे बैठ के सामने लेट के अगर आप वीडियो देख रहे हो मेरी तब आपको उतना बेनिफिट कभी नहीं होगा जितना कि आप एक जब डीप एनालिसिस करते हो टॉपिक्स की वो चीजें जो आपको वो आपको बहुत अच्छे से समझ यही 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 चीज़ होती है स्टूडेंट जो एक टॉप पर पकड़ लेता है और जो बाकी पढ़ रहे होते हैं नाइन्टी फाइव परसेंट वो पकड़ ही नहीं पाते बात को टॉपर्स में और आपकी स्टडी में कोई फर्क नहीं है स्टूडेंट मटेरियल उतना ही है वो भी पॉलिटी की वही सेम पढ़ रहे हैं जोग्राफी के लिए वही एन पढ़ रहे हैं वही आप पढ़ रहे हो ठीक है वही वो एनवायरमेंट के लिए बुक पढ़ रहे हैं सिंपली वही आप पढ़ रहे हो वही एन वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए पढ़ रहे हैं वही आप पढ़ रहे हो स्टडी मटेरियल में तो कोई फर्क नहीं फिर फर्क कहां पे? फर्क यही है यही फर्क है ठीक है लेकिन आलस, आलस उसका सिलेक्शन हो रहा है आपका नहीं हो रहा क्यों नहीं हो रहा है क्योंकि वो बंदा जो है ना वो बंदा जो बंदा पढ़ रहा है जो कीरियस है, है ना जो टॉपर है टॉपर की तरह इवन एक्ट भी कर रहे राइट right? वो आगे चल के टॉपर बनेगा क्यों तो बनेगा स्टूडेंट ये उसकी स्ट्रेटजी में और आपकी स्ट्रेटजी में यही फ़र्क है अगर आपने मेरी स्ट्रेटजी वाली वीडियो देखी हो स्टूडेंट की बेस्ट स्ट्रेटजी क्या है उसमें मैंने ये चीज़ बोली आपको प्लानिंग है ना हाउ टू प्लान योर एग्जाम प्लान ऐसा ही होता है प्लान में कोई आपको दस तीर थोड़ी मारने कोई मैजिक थोड़ी ना लेकर आना है या आपको कोई वो शकला का बोंबल वाली पेंसिल तो है नहीं आपके पास है ना ये आपके पास कोई जिन तो है नहीं भी रगड़ा और छू मंतर हो गया सब नहीं यही है बस वो पर्सन जो है ना वो पर्सन हर चीज को बहुत ही बारीकी के साथ पढ़ रहा है आप ऊपर ऊपर से बस करते जा रहे हो हाँ ये हो गया ये हाँ भाई हो गई तैयारी चल भाई पेपर देते बिलीव नहीं होगा वो बदने ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ा उसने जो भी पढ़ा बहुत डीप एनालिसिस के साथ पढ़ा अगर उसने जोग्राफी पढ़ी तो जोग्राफी के साथ साथ उसने क्यू बाई क्यू देखी जोग्राफी के और फिर उसने समझा कि यार एग्जामिनर की डिमांड क्या है कौन से हैं जो वो हर बार पूछ रहा है क्वेश्चन किस तरीके के आ रहे हैं क्या पैटर्न है किस तरीके से वो ऑप्शन सेट कर रहे हैं और वो ऑप्शन में ऐसा नहीं कि जो सही ऑप्शन है बस उस पर ही ध्यान दे रहे वो बाकी चार ऑप्शन को पढ़ रहे यार ये बाकी चार ऑप्शन में ये भी तो इम्पोर्टेंट है वो भी तो आप में एक टॉपिक है जो टॉपिक गल... आप आपको पता नहीं ऐसे कितने क्वेश्चन मिल जाएंगे बस यही समझना होता है पी वाई क्यू में और आपको क्वेश्चन नहीं करने मैं आपसे बोल ही नहीं रही हूँ आप जो है ना वो क्वेश्चन करके बस हो गए आपकी पी नहीं उसको समझना है यही बात जो है वो मेरी स्टूडेंट समझ ही नहीं पा रहे हैं मैं कंटिन्यू इस बात को रिपीट कर जा रही प्लीज डोंट रिपीट रिपीट योर योर मिस्टेक मिस्टेक नॉट जब तक आप अपनी गलतियाँ रिपीट करते जाओगे करते जाओगे आप इम्प्रूव कर रहे हो अगर आप हर बार हर बार एक ही गलती कर रहे हो तो फिर किसी की गलती नहीं है कि आपका सिलेक्शन गलतियां करो मैं नहीं कह रही कि आप गलतियां मत करो बट वो इम्प्रूव करने की क्योंकि तो यार इम्प्रूव करना है 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 ठीक ओके तो स्टूडेंट आप जो है, वो पी वाई क्यू ध्यान से पढ़ो ठीक है जैसे मैं पढ़ा रही हूँ वैसे भी पढ़ो नोट्स भी बनाओ साथ के साथ उस टॉपिक को उसे टाइम पे समझो इंटरनेट पे इंटरनेट की हेल्प से समझो अपने नोट्स में से समझो राइट ये एनालाइज करो बार बार वीडियोस पे जाओ एक बार अगर आपने वीडियो लगाई है नेक्स्ट टाइम आप उसकी स्पीड बढ़ा के दोबारा से देख लो कोई क्वेश्चन पे आपको डाउट हो रहा है कि हाँ यार ये क्वेश्चन पहले भी आया था या ये क्वेश्चन मैम ने पहले भी आप पहले वाली वीडियो पे जाके देखो ठीक है ये वीडियो जिस स्टूडेंट ने सीरियसली इस वीडियोज को कर लिया ठीक है जो इन वीडियोज में पढ़ा रही हूँ वो उसने समझ लिया अच्छे से मेरी गारंटी है उसकी सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा कोई भी नहीं रोक पाएगा मेरी गारंटी है कि उसको समझ में आ जाएगा मुझे क्या करना और क्या नहीं करना दैट्स इट ठीक है उसी के साथ स्टूडेंट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं ट्वेंटी एट नंबर क्वेश्चन कहता था नंबर ऑफ जजेज इन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कितने हैं अब देखो यहाँ पे जो टॉपिक है स्टूडेंट वो क्या टॉपिक पूछ टॉपिक पूछा है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का है और अब अपने आप में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एक टॉपिक है स्टूडेंट ठीक है ओके ओके क्लियर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पे क्वेश्चन है तो पढ़ो भाई इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में पहले इसका आंसर देखते हैं कहता 15 है टेन है इलेवन है फोर्टीन है है इसका करेक्ट ऑप्शन तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ है हमारा आईसी इसके अंदर टोटल हमारे जज होते हैं एक जज की जो टर्म होती है स्टूडेंट दैट इज नाइन ईयर नाइन ईयर जो है वो जज की टर्म रहती है जैसे हमारे हर सर, आपको भी पता होगा है ना जी जस्टिस की टर्म होती है तो नाइन ईयर की टर्म है इंडिया के भी बहुत सारे जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में हमारे भी जजिस रहे बहुत सारे तो नहीं है। चार या पांच रहे चार नए में है ना ओके तो नाइन ईयर जो है उनकी टर्म होती है इसको बनाया किसने इसको तो बनाया यूनाइटेड नेशन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली प्लस हमारी जो सिक्योरिटी काउंसिल है पांच जो हमारे परमानेंट मेंबर्स हैं सिक्योरिटी काउंसिल उन्होंने बनाया अच्छा बनाया क्यों है फॉर द इंटरनेशनल ज़... अगर इंटरनेशनली मान लो दो कंट्रीज के बीच कोई डिस्प्यूट हो जाता है वो रिजॉल्व नहीं कर पा रही है, तो वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में क्या कर सकते है? आप मुझे एग्जाम्पल दो स्टूडेंट अभी का जब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में मैंने वो किया था क्या किया था जब याद है आपको वो एक नेवी के पर्सन है क्या नाम है उनका मुझे नाम अभिन अभी, अभी अ, क्या नाम है उनका अभिनव क्या नाम, नाम है उनका जो नेवी के पर्सनल है जो पाकिस्तान की जेल में है उनको क्या दे दिया था को तो फांसी दे दी थी वहां के पाकिस्तान की कोर्ट ने तो हमने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में यू नो पी आई एल फाइल करके एंड आफ्टर दैट वहां पर पे, पे क्या लगाई हमने रोक लगवाई इसमें आई आई सी ए के अंदर ठीक है ओके तो नाइन ईयर का स्टूडेंट रहता है हमारे यहाँ पे ठीक है नाइन ईयर का ओके ठीक है जी तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा नेक्स्ट पढ़ते हैं अब क्या हुआ पढ़ो कहता है है नहीं ये पूछा हुआ। अब आपको पता होना चाहिए कि हमारी हमारी के अंदर हमारी polity में हमारे की कितनी कौन कौन सी कमेटी पूरा एक चैप्टर है लक्ष्मी का आप पढ़ सकते हो ठीक है फाइनेंशियल कमेटी कौन सी नहीं पब्लिक अकाउंट है committee, public है

पहले क्वेश्चन को पढ़ लो पढ़ के पॉज लेके फिर करो कहता है, अटेंड द मीटिंग्स ऑफ इधर कहता है वो पार्लियामेंट का मेंबर नहीं है आपको भी पता है कि अगर आपको पार्लियामेंट अगर आपको हाउस के अंदर अगर आपको मीटिंग अटेंड करनी है तो उसमें क्या होता है स्टूडेंट आपको वहाँ पार्लियामेंट का मेंबर होना कंपलसरी है राइट कहता है वो मेंबर नहीं है फिर भी वो पार्लियामेंट की करता है वहाँ पे यू you नो know, अपनी अपनी बात को वो बोल सकता है ठीक है स्पीकर को वो एड्रेस कर सकता है हाउ इज दिस पॉसिबल कौन ऐसा बंदा कौन ऐसा बंदा भाई सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया नो वाइस प्रेसिडेंट वो तो उसका स्पीकर ही होता है हमारी काउंसिल ऑफ ठीक है हमारी जो काउंसिल होती है ठीक है कंट्रोलर कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया नो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो होता है दैट कैन बी अटेंड द मीटिंग बोथ हाउसेस हाउवर वो मेंबर नहीं होता किसी का भी और ये हमारा हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है स्टूडेंट जो भी गवर्नमेंट की तरफ से जो लॉ लॉ ऑफिसर जाता है किसी कोर्ट के अंदर जो इन गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट दैट इज आवर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हाईएस्ट लॉ ऑफिसर

और आर्टिकल कौन सा होता है स्टूडेंट बताओ कौन से अंडर आ, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो कौन सा आर्टिकल है अटॉर्नी जनरल के के लिए है दैट इज थर्टी सेवन दैट इज़ सॉरीवेंटी सिक्स और इनकी जो क्वालिफिकेशन होती है वो सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होती है क्वालिफिकेशन है वो सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होती है तो सेवनटी सिक्स आर्टिकल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो डेडिकेटेड है हमारे अटर्नी जनरल को अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट ये हमारा हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं और सेकंड चीज इसके टर्म जो है वो फिक्स्ड देर इज नो फिक्स नो फिक्स देर इज नो फिक्स कोई फिक्स टर्म कभी भी प्रेसिडेंट को रिमूव क्वालिफिकेशन इन कोर्ट के जज के बराबर होते है ओके okay? फिर आपको लेट्स मूव 21 नंबर क्वेश्चन टाइप आता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स वाज द फर्स्ट टू एस्टेब्लिश पंचायती राज अभी आप देखो एक चीज देख रहे हो आप पंचायती राज चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द कोई भी स्टेट पीसीएस होता है ना उसमें पंचायती राज ठीक है हमारा अर्बन स्टेट वाला ठीक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है क्योंकि पंचायती राज जो है ना खास करके स्टेट पीसी के अंदर पंचायती राज उनका वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक होता है हर साल वो पंचायती राज में से कुछ सेट करते कौन सा स्टेट था भाई जिसमें सबसे पहले पंचायती राज सिस्टम आया तो कौन था स्टूडेंट दैट इज परा राजस्थान राजस्थान के अंदर सबसे पहले ग्राम पंचायत के इलेक्शंस पंचायती राज आया था कब आया था 90 9 के और कौन सी अमेंडमेंट के अंदर हम हमारी थर्ड पिलर ऑफ डेमोक्रेसी को लेकर आए थे सर हम क्या लेकर आए थे है जी ओके स्टूडेंट ओके थर्टी टू नंबर क्वेश्चन थर्टी करो ताकि है ना क्या फिर ना थोड़ा सभी बहुत डे सेंसिटिव तो यार बार बार हिल जाता अच्छा कोई बात ये अभी या राइट टू प्रॉपर्टी फ्रॉम चैप्टर राइट थी था वो हमारा क्या था फंडामेंटल राइट right था बट इसको अभी लीगल राइट right बना था. आपको भी पता होगा स्टूडेंट जो तो हमारे फंडामेंटल राइट है राइट right? उनके अंदर जो right उ अवर फंडामेंटल इट बिकम दाइटी ओके तो अच्छा ये किया किस यू नो अमेंडमेंट के अंदर किया था कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था जब हमने फंडामेंटल राइट right को लीगल राइट right बनाया दट इज द फोर्टी फोर्थ अमेंडमेंट दट इज द

बड़े सिंपल से लोग थे यार वो बड़े भोले वाले से थे कहां करते तो वाला ऑप्शन जो है वो हमारा क्या है करेक्ट तो ऑप्शन है नॉट नॉट पूछे तरीके से आप उसको हाईलाइट कर तो हेयर डाइज था उसको के बारे में फोर नंबर कंसीडर द फॉलोइंग भक्ति सेंट्स भक्ति सेंट्स के बारे में पूछ ये क्वेश्चन जो है अभी आप इसको आप क्या लगा सकते हो पंजाब जीके का क्वेश्चन नहीं तो भक्ति सेंट के बारे में पूछा इवन पंजाब जीके का भी लगा सकते हो आप और हमारी खुद की जो एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री वहाँ से भी ये क्वेश्चन है तो दोनों भक्ति मूवमेंट को कवर करते हैं भक्ति सेंट के बारे में पूछा हां जी

श्री गुरु नानक देव जी जो थे स्टूडेंट वो हमारे क्या थे उस टाइम के भक्ति सेंट थे से कब जब बाबर टुक करता है वो लोधी डायनेस्टी जी ओके ओके स्टूडेंट लेट्स मूव दैट बहुत ही प्यारा कुछ 35 नंबर एक्चुअल में ये है पीढ़ी जो होती है ना थोड़ी ऐसी ही होती है आई होप कि आपको क्लियर ओनली मेजर इंडस्ट्री द हैंड्स ऑफ इंडियन कैपिटलिस्ट द दीट नाइनटीन पास अगर मैं बाकी किसी भी उसकी बात करूं जो भी हमारी इंडस्ट्रीज थी जब ब्रिटिशर्स ने हम पे अटैक किया और कॉलोनाइज कर लिया तो हमारी पूरी इंडस्ट्रीज जो थी ना वो सब की सब उन्होंने बैनिश कर चाहे फिर वो हैंडीक्राफ्ट की हो चाहे फिर वो हमारी आयरन की इंडस्ट्री आयरन की सॉरी वुड की इंडस्ट्री हो या फिर हमारी आ, कोई भी किसी भी टाइप की उन्होंने सब बर्बाद कर दिया क्योंकि लंदन के अंदर उस टाइम पे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया हुआ था तो वो वहाँ से क्या करते थे वो फिनिश जो मशीन से बने हुए थी तो वो इंडिया डंप करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे जो हमारी खुद की डोमेस्टिक इंडस्ट्री या उनके प्रोडक्ट भी बंद हो गए मार्केट के और आज भी ऐसा ही हो रहा है आज भी अब इंडियन मार्केट जो वो फ्लरिश नहीं कर पा रही है क्योंकि उसको टेक, ओर, टेक ओर कर लिया चाइनीज़ आप हर जगह पे देखो हर जगह पे आपको मेड इन चाइना मिलेगा, है ना आपकी आइसक्रीम के चम्मच से लेकर आपके फोन से लेकर आपके लैपटॉप से लेकर तो रिकॉर्डिंग चल रही है जहाँ पे जितने भी कैमराज ये सब मेड इन चाइना तो इस तरीके से टाइम पे ब्रिटिशर्स ने अब हमें चाइना बर्बाद कर रहे हैं और पहले हमें इंडस्ट्री एक हमारी आ, इंडस्ट्री तो अब तक इंडियन के हाथ में थी लेट कौन सी इंडस्ट्री थी? वो, थी हमारी वो कौन सी थी हमारी कॉटन टेक्स एक इंडस्ट्री बची थी जो तो इंडियन कैपिटलिस्ट के हाथ में थी दैट इज द कॉटन टेक्स ठीक okay, okay. है And जी ओके ओके इट्स मूव। क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन पढ़िए हाँ जी अब अपर सेवन नंबर था ड्यूरिंग द रिजीम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द सिख लीडर बंदा सिंह बहादुर कैप्चर्ड एंड एग्जी कौन था वो मुगल मुगल एम्प्रर जिसके टाइम पे बंदा सिंह बहादुर जिसको जिसने कैप्चर किया और उनको एग्जीक्यूट ईयर स्टूडेंट आफ्टर गुरु गोबिंद सिंह जब वो, वो आ, चले जाते हैं नादेड़ के अंदर जब वो डेथ हो जाती है कब्जा so कर, कर, कर लिया तो यहाँ पे बंदा सिंह बहादुर जो है वो बटाड़ा को क्या करते हुए, बीट करते हुए क्या? जब वो बहुत सारे मुगल्स को हरा देते हैं और वापस से सूबेदारों से मतलब दोबारा से वो रिक्चर करना शुरू कर तब यहाँ पे जो आ, मुगल एम्पर होता है उस टाइम पे फारूक शेयर जो था वो क्या करता है बंदा सिंह बहादुर को पकड़ लेता है और उसको एग्जीक्यूट बहादुर है क्या करता है कैप्चर कर उस टाइम पे कौन था फारूक श्यार औरंगजेब की तब तक डेथ हो चुकी और अब जो है वो फारूक शेयर जो है गद्दीपी होती अभी आप थर्टी एट हाँ जी विच ऑफ द फॉलोविंग इज करेक्टली मैच कौन सी चीज़ है जो करेक्टली मैच करती है यहाँ बताओ कौन सी चीज़ है जो करेक्टली मैच कर रही है बताओ हाँ जी यहाँ पे क्वेश्चन देख विच ऑफ द फॉलोविंग इज करेक्टली मैच करेक्टली करेक्टली तो पहला कहता है वुड प्राइमरी एजुकेशन नहीं नहीं का काम नहीं था हंटर कमीशन का काम था प्राइमरी प्राइमरी वुड डिस्पैच मिल तो था ना वो इंग्लिश को प्रमोट रेली कमीशन फॉर यूनिवर्सिटी एजुकेशन सही ऑप्शन सेटलर कमीशन सेटलर कमीशन सेक्शन नहीं सेटलर कमीशन था स्टूडेंट तो हमारी कलकत्ता यूनिवर्सिटी जो कोलकाता जिसको हम आज के टाइम पे कोलकाता बोलते थे तो कलकत्ता बोलते थे तो कलकत्ता यूनिवर्सिटी जो इन्वेस्टिगेशन से वो है हम सेटलर रेले कमीशन यूनिवर्सिटी एजुकेशन से रिलेटेड था हंटर कमीशन था वो प्राइमरी एजुकेशन था ठीक है प्राइमरी एजुकेशन को लेकर था हंटर कमीशन जो है ना स्टूडेंट वो दो बार आता है एक बार तो एटीन एटी आता है जब वो प्राइमरी एजुकेशन के बारे में बात करते हैं ठीक है ठीके? और दूसरी बात बार, बार आता है स्टूडेंट के अंदर जलिया वाला बाग के अंदर जो हमारा यू नो हमारा जो उस टाइम पे जलिया वाला मैसेकर हुआ था ना उसकी इन्वेस्टिगेशन आता है हंटर कमीशन हंटर कमीशन आपको याद रखना दो बार इंडिया में आता है, पहली बार आता है जब हमारा 1882 के अंदर जब आ, प्राइमरी एजुकेशन को लेकर और फिर दूसरी बार आता है 1992 में ये दोबारा से कमीशन सेटअप होता है फॉर द जलिया वाला बाग जो मैसेकर होता है ना उसकी इन्वेस्टिगेशन वो सही बता देता है उसको जो बंदा करवाता है ना तो वो सही बता देता है कि लेकर बहुत बड़ा प्रोटेस्ट उठ जाता है इंडिया के अंदर सो यहाँ पे आपको समझ आ गया होगा कि रेलवे जो है so जी नंबर नम्... कहता है विच इज द वैलिड जर्नलाइजेशन अबाउट द इमीडिएट रिजल्ट ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन सेवनटीन एटी नाइन फ्रेंच रेवोल्यूशन जर्नल वैलिडेशन बतानी है आपको कि क्या हुआ क्या मतलब क्या इमीडिएट रिजल्ट में क्या चीज सामने आई जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ सेवनटीन ना, एटी के अंदर क्या हुआ था स्टूडेंट इस टाइम पे आपको पता होना चाहिए तो फ्रेंच मिडिल क्लास थी ना वो मोर पावर गेन कर लेते कैथोलिक चर्च की पावर जो है वो वो गिर जाती जाती है यहां। है है इंक्रीज नहीं डिक्रीज हो एक्चुअल में क्या होता ना फ्रेंच का जो मेन था वो ये था कि चर्च थी ना उसके पास बहुत ज्यादा पावर थी पावर को कम कर, करते हैं यहाँ पे जब फ्रेंच रेवोल्यूशन ठीक है जी उस पावर को क्या किया जाता है स्टूडेंट कम किया जाता है ना कि ज्यादा यहाँ पे सेकुलराइजेशन की तरफ बढ़ता है फ्रेंच जो है ना वो सेकुलर कंट्री की तरफ वो बढ़ते ठीक ये सेकुलर होना चाहिए जो रिलीजन है तो प्राइवेट अफेयर्स में बिल्कुल क्या नहीं होना चाहिए इंटरफेयर नहीं होना चाहिए मतलब पॉलिटिक्स और रिलीजन दोनों चीज़ें अलग होनी चाहिए ठीक है तो यहाँ पे मिडल क्लास के पास पावर बढ़ जाती okay? है ओके यह होता ऐसे इससे ही है मेनली ये होता है यहाँ मिडिल क्लास के पास यहाँ पे पावर बढ़ जाती है फोर्टी नंबर क्वेश्चन

जिन्होंने लैंड है जिनके पास बहुत लार्ज अमाउंट में लैंड जो है उनको उन्होंने कॉन्सेंट्रेट कर रखी इकट्ठी कर रखी है उसको मैं रीडिस्ट्रीब्यूट करूंगा अमंग द पुअर पीपल या कॉमन पीपल ये बात बोलते हैं कौन बॉलिकीन जहाँ से एक बहुत बड़ा रशियन रेवोल्यूशन होता है यहाँ पे या रशियन पीसेंट के बीच बहुत बड़ा रेवोल्यूशन हो जाता है रीडिस्ट्रीब्यूट द लैंड उससे तो पहले जो लैंड होती है वो सारी की सारी कॉन्सेंट्रेट होती है सिर्फ एक ही कम्युनिटी के पास दैट इज द हमारे जहाँ पे जमींदार्स है वहां पे नोब है ना हमारे भी तो लैंड रिफॉर्म्स होते हैं ना आफ्टर हमारी इंडिपेंडेंस के राइट तो रिडि रिवोल्यूशन तो तो, जी ओके अब आपको आ गया होगा देखो कितने सारे स्टूडेंट्स आप जो है ना जैसे आपको पहले भी बोला स्टार्टिंग में भी बता कि आप जो है वो टेस्ट सीरीज आपके लिए है ना मुझे तो पता ही है सब मेरे मेरे को सब चीजों के बारे में ऑलरेडी पता है मेरा पर्पस है कि स्टूडेंट जो है ना वो एग्जाम को समझे सो तो समझेट उनको क्रैक करने में उनका एक दो तीन चार पाँच अटम्प्ट वेस्ट ना हो क्योंकि यहाँ पे क्या है ना आपको टाइम लगता है क्योंकि हर बार नोटिफिकेशन आ रही है ऐसा तो है नहीं कि रेगुलर नोटिफिकेशन आ रही है दो तीन साल बाद एक ही बार एग्जाम आ रहा है तो ट्राई करो कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में और जब फर्स्ट अटेम्प्ट में जब कोई चीज क्लियर करनी होती है उस टाइम पे आपको बाल की खाल निकालनी ही पड़ेगी है ना तब आपको बहुत डीप एनालिसिस के साथ आपको पढ़ना पड़ेगा सो देट आपका ये जो चांस है ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी वो आप मिस ना करो ठीक है ऐसा नहीं होना चाहिए कि पी वाई क्यू में इतने सारे क्वेश्चन रिपीट हो गए और आपने किए ही नहीं या आपने ढंग से नहीं किए और ना आपने पेपर को समझा बस आप पढ़ते जा रहे हो पढ़ते जा रहे हो कोई भी पढ़ा रहा है बस पढ़ते जा रहे हो पढ़ते जा रहे हो आपको पता ही नहीं है कि यार कहाँ से क्या चीज आ रही है मुझे क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से स्टूडेंट तो मिलते हैं फिर बस से अभी मैं ये सेशन यहाँ पे कर रही हूँ इवन स्टूडेंट हमारा पंजाब पी सी लाइव ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन दोनों ही मोड के अंदर चल रहा है स्टूडेंट तो आप प्लीज़ उस बैच में कॉल कर सकते हैं जो भी स्टूडेंट यू नो किस ऑफिसर बनना चाहते हैं वो तो इस बैच में आप जल्दी से जल्दी कॉल कीजिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिले इवन वहाँ पे आपको नंबर भी होगा वहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन होगा तो अगर आपको कोई भी क्वेरी है कॉल एस स्टूडेंट बात में थैंक यू हैवे नाइस